सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स की संख्या 100 मिलियन के पार। प्रधानमंत्री ने समर्थकों का जताया आभार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ के हालातों का लिया जायजा। उत्तर प्रदेश और गुजरात के मुख्यमंत्रियों से राज्य में बाढ़ की स्थिति का जाना हाल। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 जुलाई तक बढ़ी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में किया गया पेश। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। बीजापुर में 2 इनामी नक्सलियों समेत 7 नक्सलियों को किया गया गिरफ्तार। हैदराबाद में बनाया जाएगा विश्व स्तरीय बेगमपेट रेलवे स्टेशन। 22 करोड़ की लागत से बन रहे रेलवे स्टेशन का काम लगभग 50% पूरा। आज से विश्व धरोहर युवा पेशेवर युवा फोरम की शुरुआत। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली में की कार्यक्रम की शुरुआत। केंद्र सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने 2024 के लिए की राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार की घोषणा। 26 नवंबर को दिए जाएंगे पुरस्कार। स्विगी और जोमेटो से खाना मंगवाना अब हुआ और भी महंगा। कंपनियों ने अपनी प्लेटफॉर्म फीस में की 20% की बढ़ोतरी। देश में मॉनसून सक्रिय होने से ज्यादातर हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात। मौसम विभाग ने 23 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। अर्जेंटीना एक बार फिर बना कोपा अमेरिका चैंपियन। कोलंबिया को 1-0 से हराकर खिताब किया अपने नाम। स्पेन ने चौथी बार जीता यूरो कप। इंग्लैंड को 2-0 से हराकर सबसे ज्यादा बार यूरो कप जीतने वाली टीम बना स्पेन।